बंद है बिल्कुल आपके सामने नजर आ रहा है आपको कोई स्क्रीन में बच्चे पर एग्जाम है किसी साइंस आपके कार्यालय की तरफ से ऐसा कोई नोटिस निकला था कि पेपर ले सकते हैं नहीं ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत कम है पहले आप बी ऑफिस में जाइए रिसेंटली एक मीटिंग हुई है सारे प्रिंसिपल्स की अम्बाला के सारे प्रिंसिपल्स की तो रिपब्लिक डे मनाने के लिए हमने बच्चों को अपने स्कूल में बुलाना है प्रैक्टिस आप लोगों ने अलो किया है 26 जनवरी के फंक्शन के लिए बच्चों को हमने कोई हमने 300 बच्चे थोड़ी कहे थे हमने कहीं लो नहीं किया सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाने वाला सेंट जोसेफ स्कूल कभी बात थमने का नाम नहीं ले रहा है दरअसल कल सेंट जोसेफ स्कूल ने ना सिर्फ स्कूल में बच्चों को बुलाया है बल्कि उनके एग्जाम भी लिए जा रहे थे सरकार के नियमों की उल्लंघना सरासर की जा रही थी जिसके बाद जब शिक्षा विभाग की तरफ से ड्यूटी मैजिस्ट्रेट वहां पर पहुंचे तो पहले तो वो प्रिंसिपल की जुबानी बोलते दिखाई दिए बाद में उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि 26 जनवरी की तैयारियों के लिए बच्चों को स्कूल में बुलाया जा सकता है बावजूद जब इस बारे में हम लोगों ने डीओ से बात की तो डीओ ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि 26 जनवरी की तैयारियों के लिए अभी से बच्चों को स्कूल में बुलाने का ऐसा कोई भी उन्होंने नोटिस जारी नहीं किया है आखिर देखने वाली बात तो ये होगी कि इसमें किस प्रकार कार्रवाई होगी क्या जो ड्यूटी मैजिस्ट्रेट वहां पहुंचे थे वो प्रिंसिपल के बहकावे में ये सब बोल रहे थे या फिर क्या कुछ ये पूरी सच्चाई है क्या प्रिंसिपल और क्या इस स्कूल के ऊपर नियमों की उल्लंघना करने पर क्या कुछ कार्रवाई होगी वो भी आपको सुनवाएंगे लेकिन उससे पहले ये रहते हैं कि डीओ ने क्या कुछ कहा है जब हमने उनसे फोन पे संपर्क किया तो किया है 26 जनवरी के फंक्शन के लिए बच्चों को हमने कोई हमने 300 बच्चे थोड़ी कहे थे हमने कहीं लो नहीं किया तो एक मीटिंग ली थी उसमें कुछ नहीं कहा गया अभी क्या पेपर देना अलो था पेपर कुछ नहीं हमने ऑर्डर निकाले हुए आपको पता तो है विंटर वेकेशन के हमने निकाले ऑर्डर तो इन पे आगे किस टाइप की कार्रवाई की जाएगी कार्रवाई भेजेंगे ऊपर रिपोर्ट मंगवा ली हमने रिपोर्ट आ जाएगी बीओ से कल परसों ठीक है सर थैंक यू हाँ कार्रवाई करेंगे ठीक है सर थैंक यू रिपोर्ट के अनुसार